अब इंडस्ट्री में सुभाष घई का क्या रुतबा है ये हमें बताने की जरूरत नहीं है, उन्हें इंडस्ट्री का शोमैन भी कहा जाता है। महाराष्ट्र के नागपुर में जन्मे सुभाष घई आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है और उन्होंने हिंदी सिनेमा की कई सारी बड़ी फिल्मों को बनाकर एक नया इतिहास भी रचा है। कुछ साल पढ़ाई करने के बाद जब उन्हें डिग्री मिली तो डिग्री लेने के बाद सुभाष घई 20-21 साल की उम्र में पुणे फिल्म इंस्टीट्यूट चले गए। वहां उन्होंने निर्देशन का काम सीखा। हालांकि शुरुआत में वे फिल्मों में एक्टिंग करने के लिए पुणे इंस्टीट्यूट आए थे और उस दौरान सुभाष घई कई कहानियां भी लिखते थे। कई बड़े निर्माता निर्देशक उनकी कहानियों को पसंद भी करते थे, तब उन्हें कहानियों की अच्छी खासी कीमत भी मिलती थी। लेकिन आने वाले समय में सुभाष घई ने इंडस्ट्री पे अपनी वो छाप छोड़ी जो छाप आज भी बरकरार है। सुभाष घई बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक बढ़िया डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, स्क्रीन राइटर और एक्टर के साथ म्यूजिक डायरेक्टर के रूप में काफी ज्यादा मजे हुए कलाकार मानते हैं, जिनकी फिल्मों की चारों तरफ खुमारी देखने को मिली। उन्होंने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान एक से बढ़कर एक हिट फिल्में बनाई जो फिल्में आज भी काफी ज्यादा पसंद की जाती हैं। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात से भी रूबरू कराना चाहेंगे कि सुभाष घई जितने प्रोफेशनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में रहते हैं, उतने ही वो अपने विवादों को भी लेकर काफी ज्यादा लाइमलाइट में रह चुके हैं। और इस वीडियो में हम शोमैन यानी सुभाष घई से जुड़े कुछ ऐसे दिलचस्प पहलुओं से रूबरू कराने वाले हैं जिसे जानने व सुनने के बाद आप भी दंग रह जाएंगे। अब सुभाष घई की जब बात आती है तो उनको लेकर कई सारे दिलचस्प किस्से व कहानियां तरोताजा हो जाते हैं और इसी कड़ी में हम आपको साल 1981 में घटी एक ऐसे किस्से से रूबरू कराने वाले हैं जो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी से भी जुड़ा रहा है। साल 1981 में सुभाष घई एक फिल्म बना रहे थे, फिल्म का नाम था क्रोधी और इस फिल्म में शशि कपूर, जीनत अमान, धर्मेंद्र और हेमा मालिनी लीड रोल में थे। इस फिल्म में एक सीन के लिए हेमा मालिनी को बिकनी पहनना जरूरी था, जिसके बारे में सुभाष घई ने हेमा मालिनी को बताया भी था। ये सुनकर हेमा मालिनी ने इस सीन को करने के लिए साफ मना कर दिया था। उस दौरान धर्मेंद्र हेमा मालिनी को बेइंतहा मोहब्बत करते थे, लेकिन सुभाष घई नहीं माने और उन्होंने हेमा मालिनी से कहा कि ये सीन स्विमिंग पूल पर फिल्माया जा रहा है, जिसके लिए आपको बिकनी पहननी ही होगी। ऐसे ही बार बार सुभाष घई ने हेमा मालिनी को बिकनी पहनाने पर खूब जोर डाला। सुभाष घई के फोर्स करने पर हेमा नाराज होगी। इसके साथ ही हेमा मालिनी बिकनी की जगह कोई रिवीलिंग ड्रेस पहनने के लिए राजी होगी। इसके बाद बताया जाता है कि फिल्म को शूट तो किया गया, लेकिन इस बात की खबर जब धर्मेंद्र को पड़ी तो वो आग बबूला हो गई। फिर क्या था, धर्मेंद्र ने सेट पर जाकर सुभाष घई को मारना शुरू कर दिया। बताया जाता है कि सुभाष घई को धर्मेंद्र ने कई सारे तमाचे जड़े थे, लेकिन यह पहला ऐसा मौका नहीं था जिसकी वजह से सुभाष घई काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। धर्मेंद्र ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के भाईजान सलमान खान से भी सुभाष घई थप्पड़ खा चुके हैं और इस किस्से का उजागर सन 2002 में हुआ था। 2002 में एक अखबार को इंटरव्यू देते हुए सलमान खान ने कहा था कि उन्होंने कभी ऐश्वर्या पर हाथ नहीं उठाया, उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ सुभाष घई पर हाथ उठाया। उन्होंने इस दौरान बताया कि सुभाष घई ने उनके और ऐश्वर्या राय को लेकर एक पार्टी में कुछ कहा था, जिससे सलमान खान भड़क गए थे और उन्हें थप्पड़ जड़ दिया था, जिसके बाद नशे में सुभाष घई ने उन्हें चप्पल फेंक कर मारने की कोशिश की थी और प्लेट तक तोड़ डाला था। सलमान खान ने उस दौरान ये भी कहा था कि उनके लिए बहुत शर्मनाक रात थी। बाद में सलमान ने उनके घर जाकर माफी भी मांगी थी। हालांकि सुभाष घई बतौर डायरेक्टर अपने करियर में कई चीजों की वजह से काफी ज्यादा चर्चाओं में रह चुके हैं, कई बार विवादों में भी फंसे। सुभाष घई जितने शानदार डायरेक्टर हैं उतने ही वो पॉपुलर भी रहे हैं। वो पहले ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने एक्ट्रेस से नो प्रेगनेंसी क्लाउज का साइन भी कराया था। हालांकि सुभाष घई से जुड़ी एक दिलचस्प कहानी ये भी रही है कि सुभाष घई ने माधुरी दीक्षित से तब नो प्रेगनेंसी क्लाउज साइन करवाया था जब उनकी शादी भी नहीं हुई थी। दरअसल संजय दत्त और माधुरी दीक्षित के अफेयर की खबरें लगातार मीडिया में सुर्खियों में बनी हुई थी। इससे सुभाष घई बहुत ज्यादा घबरा गए थे कि कहीं संजय दत्त और माधुरी दीक्षित शादी न कर लें, इसलिए उन्होंने खलनायक फिल्म के लिए माधुरी दीक्षित से नो प्रेगनेंसी क्लाउज साइन कराया था और उस दौरान सुभाष घई बहुत ज्यादा लाइमलाइट में आ गए थे। सुभाष घई ने अपने शानदार फिल्मी सफर के दौरान कई सारी बड़ी फिल्मों का निर्माण किया है, उन्हीं फिल्मों में से एक परदेश का नाम भी है। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि परदेश फिल्म के लिए उन्होंने करीब 3000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। अब इस बात में कोई शक नहीं कि सुभाष घई अपनी फिल्मों को 100% परफेक्ट बनाने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते हैं। सुभाष घई कास्टिंग के लिए भी बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं और अपनी शाहरुख खान स्टार फिल्म परदेश के लिए उन्होंने करीब 3000 लड़कियों का ऑडिशन लिया था। आखिरकार 3000 लड़कियों को रिजेक्ट कर उन्होंने महिमा चौधरी को चुना था। तो इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि सुभाष घई अपने प्रोफेशन से कितना ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन इसी प्रोफेशन की वजह से वो कई बार विवादों में भी आ चुके हैं। हेमा मालिनी को बिकनी पहनाने से लेकर सलमान खान के बारे में गलत बोलने तक हमेशा से सुभाष घई काफी ज्यादा लाइमलाइट में रह चुके हैं। सलमान और धर्मेंद्र से उन्होंने कई बार थप्पड़ भी खाए, लेकिन सबके बावजूद शोमैन यानी सुभाष घई के रुतबे में कोई भी कमी नहीं देखने को मिली है। खैर, मौजूदा दौर में भी आज भी वो इंडस्ट्री में बरकरार हैं और आने वाले समय में वो कई सारे बड़े प्रोजेक्ट्स के साथ हाजिर भी होने वाले हैं।